यह जानने के लिए पहले हमें पांडवों के जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। पांडु के पांच पुत्र युधिष्ठर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठर, भीम और अर्जुन की माता कुंती तथा नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। पांडु इन पांचों पुत्रों के पिता तो थे, पर इनका जन्म पांडु के वीर्य तथा संभोग से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को श्राप था कि जैसे ही वो संभोग करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु के आग्रह पर यह पुत्र कुंती और माद्री ने भगवान का आह्वान करके प्राप्त किए थे। जब पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर का मांस पांचों भाइयों ने मिल बांटकर खाया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी। चूंकि उसके पुत्र उसके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान कौशल उसके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसलिए उसने अपनी मृत्यु पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खा ले, ताकि उसका ज्ञान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में दो मान्यता प्रचलित है। प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो पांचों भाइयों ने खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के तीन हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पे वर्तमान का, और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। यही कारण था कि सहदेव पांचों भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था, और इससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र शख्स सहदेव ही था जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी। श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव यह सब बातें औरों को न बता दे, इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।